डॉक्टर आशीष, जब प्रदूषण की बात होती है तो जिक्र हमारी सेहत का भी आता है। हमारे सेहत पर यह प्रदूषण कैसे इंपैक्ट डालता है और सबसे ज्यादा प्रभाव कैसे हम पर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रदूषण पॉल्यूशन है, इसके ना दो तरीके से इफेक्ट आते हैं। एक तो एक्यूट इफेक्ट आता है और एक क्रॉनिक जो लंबे समय के बाद हमारी हेल्थ पे देखने को मिलता है। एक्यूट, जैसे ही आपका AQI बढ़ता है, जैसे ही PPM पॉल्यूटेंट बढ़ते हैं 2.54 टन, सबसे पहले तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जो पेशेंट कार्डिक पेशेंट है, जो चेस्ट के पेशेंट है, जिनका अस्थमा जो कि कंट्रोल्ड होता है, वो कंट्रोल भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। लोगों को आंखों से पानी आना, आंखों में रेडनेस होना, गले में ऐसा लगता है कुछ धूल सी अटक गई है जो कि हम लोगों को अंदर सटकने नहीं दे रही है। तो जो गले की जो ये प्रॉब्लम है, जो धूल सटक जो नहीं दे रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हर समय क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि सांसें फूल रही है, और ये जो प्रॉब्लम है रात में बहुत ज्यादा जी हो जाती है। तो अगर किसी को एक्यूटली ये प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में दिक्कत, जलन, सांस लेने में दिक्कत, खांसी जैसा कोई रीजन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हम लोग जो भी हमारा प्रॉब्लम है, ये पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। एक जो जी क्रॉनिक असर, जिसका लंबे समय तक असर होता है, लंबे समय तक असर यानी क्या हो गया, जैसे कोई बंदा जिसको अस्थमा कंट्रोल है या जो कार्डिक मेडिकेशन पे कंट्रोल है, उसका ब्लड प्रेशर का एबनॉर्मल हो जाना, डायबिटीज का एबनॉर्मल हो जाना। और आपको पता है, अभी भी 1 महीना पहले शिकागो स्टडी आई थी, उसमें उन्होंने ये साफ साफ बोला था कि जो पॉल्यूशन का लेवल इंडिया में है, इसके कारण 6.8 ईयर्स की लाइफ, जो एवरेज लाइफ स्पैन है हमारी, वो कम हो रही है। मतलब अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो हम सब लोग 7 साल कम जिएंगे, जो कि हम एवरेज लाइफ से जी सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल, देखिए, बहुत गंभीर मसला है, चिंता का विषय है, मतलब हमारी सेहत से जुड़ा मामला है। डॉक्टर गुरफान बेग का फटाफट मैं यहां पर रुख करूंगा। बेग साहब, पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उससे जुड़ी खबरें भी मीडिया में आई थी, वो ये कि पिछले सालों में जो कदम उठाए गए हैं उनका असर कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पर पड़ा और इस साल ज्यादा साफ हवा वाले दिन हमें देखने को मिले, लेकिन अब स्थिति फिर से बिगड़ती दिखाई दे रही है। तो ये साइकिल में चेंज क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, आप इसके लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कारण आप मानते हैं? ये जो स्टडी आई है, पिछले 10 साल के अंदर इमिशन के अंदर कोई कमी नहीं आई है, जी, क्योंकि इमिशन के अंदर वाहन बढ़ रहे हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती अच्छी होती जा रही है तो वाहन की संख्या बढ़ रही है, बायोफ्यूल इमिशन में कमी आई है, डस्ट के इमिशन में कमी आई है, लेकिन ये नहीं हुआ है। अभी रीजन उसका क्या हुआ है कि हमारे जो ये नया गैप और बहुत सारी जो चीजें जो शॉर्ट टर्म के हमारे मेजर्स हैं, उसकी वजह से पीक पॉल्यूशन के अंदर थोड़ी गिरावट आई है, और उस गिरावट के चलते जो हमने अभी पिछले 5 साल के अंदर जो देखा गया है कि एनुअल एवरेजेस के अंदर बढ़ोतरी आई है, एनुअल एवरेज के अंदर जो कमी हुई है और जो अच्छा हुआ है, वो उसकी वजह से है। इसलिए जो सॉल्यूशन अभी है वो इन एडिशन टू जो अगर हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स, वो अच्छी चीज है क्योंकि वो हेल्थ से डायरेक्ट रिलेवेंट है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में जो कि परमानेंट सॉल्यूशन होंगे, और उसके लिए जो 5 सोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत ढंग से काम करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बायोफ्यूल सेक्टर, डस्ट इमिशन, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, एनीवे वो तो बंद कर दिए जाते हैं जी। तो ये सब चीजें हैं, तो हमको जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, परमानेंट सॉल्यूशंस सेकेंड स्टेप है, जिससे कि हमको बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म हमारे कंट्रोल में करीब करीब आता जा रहा है धीरे धीरे। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता का रुख करूंगा यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जो टेबल बनाते हैं आप लोग, जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे एटमोसफेयर के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किन पॉल्यूटेंट्स का होता है, सबसे ज्यादा हमारी हवा में प्रदूषित तत्व कौन से हैं? ये एरिया टू एरिया वेरी करता है, पर दिल्ली और दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा PM2.5 और PM10 होता है। मैं आपको जरा सा डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आज का भी एक तो ही आप देखें तो ओजोन और लेड नील है। इसका मतलब रीजन आप देखिए, पहले लेडेड पेट्रोल मिलता था, अब लेड फ्री मिलता, तो एक पैरामीटर एलिमिनेट हो गया। तो सरकार ने 15-20 साल पहले जो सोचा वो किया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेजर सोर्स PM2.5 और 10, जो पीछे स्टडीज हुई उसमें करीब 38% रोड डस्ट जो है वो PM2.5, 20% व्हीकल्स, 12% डोमेस्टिक फ्यूल और 11% इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्स। और ये जो विंटर सीजन में जो पैडी के बाद जो स्टबल बर्निंग आता वो आता। आप देखिए, दिल्ली के अंदर रफली 28,508 किलोमीटर की रोड है जो लेंथ है, PWD और NCD मेंटेन करती है। अब मैं हमेशा से कहते रहा हूं, कहीं भी आप चले जाइए आपको वहां पर गड्ढे मिलेंगे, आपको मलबा मिलेगा। दिल्ली में रफली अगर आप बात करें CND वेस्ट की,
तो 11,328 टन पर डे जनरेट होता है, जी और सरकारी आंकड़े कहते हैं करीब 3100 टन पर डे सीएनडी वेस्ट सरकार के पास फैसिलिटीज नहीं है, यानी कि वो इधर उधर पड़ा रहता है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऑलरेडी जो सरकार है वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रही। आप विंटर से पहले आपने सड़कों क्यों नहीं देखा? आप देखिए पराली पंजाब में जल रही, हरियाणा में जल रही, आप पर चंडीगढ़ का एक वही देखिए विद इन लिमिट होगा, पर दिल्ली का बढ़ जाता है, क्योंकि जो दिल्ली का इंटरनल पोल्यूशन है वो जी ऑलरेडी हायर साइड पे है, और जो विंटर सीजन में मॉइस्चर होता है पार्टिकल जो ऊपर उड़ नहीं पाते तो वो एक्यूमुलेट होके यहाँ के पर्यावरण को ज्यादा दूषित करते हैं। तो दिल्ली को ओवरहॉलिंग मैं कहूंगा कि मास क्लीनिंग की जरूरत है। जी फिर एक कारण बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी है। आप देखिए दिल्ली में जी रफली 3.3 करोड़ जो सरकारी डाटा कहते हैं वो पॉपुलेशन है, और रजिस्टर्ड व्हीकल्स की अगर आप बात करें तो 1 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स है दिल्ली में, टू जी व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर लगा के। उनका कितना कोई लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। सार्वजनिक प्रणाली अभी सिर्फ चलिए इलेक्ट्रिक बसें कुछ आई है, तो बहुत सारे कारक है। मुझे लगता है ये जो ऑन ऑफ ऑड इवन ये सब बहुत ही टेम्परेरी मेजर्स हैं। जी देर इज ए टोटल नीड ऑफ टोटल क्लीनिंग ऑफ दिल्ली, चलिए जिससे कि मैं जो मेजर सोर्स से करें, और इस जी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, ये मुझे कहना है।